Hi everyone, welcome back to my channel. This is Monica Sudhan. Hope you all are doing good. So today's video is about the product that I recently bought from Amazon. This is the dishwasher jo maine abhi recently purchase kiya hai Amazon se. It is from Voltas Beko. I think abhi ke time mein market mein isse cheap डिशवॉशर तो इट्स नॉट पॉसिबल. सो एज वी आर द फैमिली ऑफ टू मेंबर्स तो मुझे इतने बड़े डिशवॉशर की जरूरत नहीं थी और मेरी मेड ने रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से शी वॉज अनएबल टू कंटिन्यू, तो मुझे लगा कि यार बार बार मेड रखने से बेटर है कि मैं डिशवॉशर ही ले लेती हूँ. सो फाइनली आई गॉट रिड ऑफ माई मेड. सो एवरी स्टफ इन माई होम आई डू इट माई सेल्फ. तो मैं आज का वीडियो इसलिए बना रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि डिश वॉशर में डिशेज धोने से पहले कैसी होती है और धोने के बाद कैसे होती है. तो आई एम गोना शो यू द एग्जैक्ट वीडियो कि कितने गंदे डिशेज थे उनको मैंने धोया और धोने के बाद वो कैसे हुए, इज इट रियली बेनिफिशियल और नॉट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे. तो गाइस दिस इज द डिशवॉशर. नीचे वाला एरिया जो होता है ये बड़े बर्तनों के लिए होता है और जो छोटा जो ऊपर वाला एरिया होता है वो छोटे बर्तनों के लिए होता है. तो अब मैं सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी, सबसे पहले मैं इसमें ये कढ़ाई डालूंगी, यू कैन सी. तो इसको हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है. उसके बाद मैं ये कुकर डालूंगी, यहाँ पर ऐसे डाल देते हैं. गाइस ये फूड प्रोसेसर का बॉक्स है, इसमें मैंने आटा गूंदा था तो अब इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ. लेट्स सी हाउ इट फील्स, ठीक है. ये इसका ढक्कन है, इसको मैं ऐसे ही डाल दूंगी. उसके बाद ये है चाय वाला पैन, हम यहाँ ऐसे डाल देंगे. उसके बाद ये है दूध वाला पैन, ऐसे डाल देंगे. अब मैं इसमें प्लेट डालूंगी. प्लेट्स के लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी. प्लेट्स को हम मोस्टली साइड पे ही लगाते हैं. तो गाइस बड़े बर्तन मैंने सारे लगा दिए हैं एज यू कैन सी. अब हम इसको अंदर डालेंगे, ठीक है. आपको मेक श्योर करना है कि इसके ये स्पिन करने के लिए ये किसी पे अटके नहीं, कोई भी बर्तन इतना बड़ा ना हो कि ये स्पिनर ही अटक जाए, ठीक है. अब मैं इसमें छोटे बर्तन डालूंगी. तो छोटे बर्तनों में सारी डिशेज आ जाएंगी. ये भी फूड प्रोसेसर के पार्ट्स हैं, इन पे आटा लगा हुआ है तो इनको मैं नीचे ही लगाऊंगी बिकॉज आई रियली वांट देम टू बी क्लीन. ये कुकर का ढक्कन है, इसको मैं ऐसे ही डाल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है. ये स्पून्स हैं सारे के सारे गंदे, इनको मैं यहाँ पे रख दूंगी. स्पून्स के लिए अलग से ट्रे होती है. ये राइस स्पून है, इसको मैं यहाँ डाल दूंगी, ठीक है. और
ये चाय वाली छन्नी है, इसको भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो गाइज अब मेरे पास ये एक बर्तन बच गया है, इसके लिए मेरे पास आज स्पेस नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो पैन डाल दिए, एक कुकर डाल दिया, एक कढ़ाई डाल दी है, मैंने आटे वाला बर्तन भी डाल दिया जो कि डेली नहीं होता है, तो इसको मैं हैंड से ही वॉश कर लूंगी। सो आई एम गोना लीव दैट। ठीक है, ट्रे के लिए कोई ट्रे के लिए इसमें जगह नहीं है। आई विल लीव द ट्रे आल्सो, इट्स नॉट दैट डर्टी। ओके, तो गाइज एज यू कैन सी सारे बर्तन फुल कॉम्पैक्टली मैंने बिल्कुल डाल दिए हैं इसके बीच में। दो चार छह प्लेट्स डाले हैं मैंने, दो चाय वाले, एक चाय वाला पैन, एक दूध वाला पैन, एक दाल वाला कुकर, पीछे सब्जी है कढ़ाई वाली, और आटे वाला बर्तन, और ऊपर मैंने सारे डिशेस डाल दिए हैं। तो अब मैं इसमें इसका डिश वॉशर डालूंगी। इसके लिए मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगी। इफ यू गाइज वॉन्ट टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि अगर आप चाहते हैं कि इसका मटेरियल जो है वो कैसे डालते हैं, और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और ये इसको हम बंद कर देंगे। ओके, तो एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ कहीं टच तो नहीं हो रहा। नो, इट्स नॉट टचिंग एनीवेयर, नीचे वाला भी नहीं टच हो रहा। ठीक है, तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी। तो अब इसमें ये सारे, ये पावर बटन है, इसको ऑन करके रखेंगे, ये ऑन हो जाएगा। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा वॉश देना है। यहाँ पे इंटेंसिव है, नॉर्मल, इको, ग्लास केयर, क्लीन एंड शाइन एंड मिनी। तो सबसे ज्यादा जो हार्ड मतलब स्ट्रांगली बर्तनों को धोता है वो होता है इंटेंसिव वॉश, जो कि 2.5 घंटे का होता है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, पानी भी बचाना है, तो फिर आपको इको मोड पे डालना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर इको क्योंकि मुझे अच्छे से बर्तनों की क्लीनिंग करनी है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी, नहीं नहीं मुझे चाहिए इंटेंसिव। तो ये 2 घंटे 40 मिनट लेगा और यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। तो यू कैन सी इट्स स्टार्ट। अब हम पूरे 2 घंटे 40 मिनट के बाद देखेंगे कि बर्तन कितने क्लीन हुआ है। सो गाइज अब इसमें बिल्कुल 1 मिनट रह गया, अभी ये खुद ही बीप करेगा और फिर वी विल चेक कि बर्तन कैसे क्लीन हुए। डन। तो चलो गाइज अब देखते हैं कि इसमें बर्तन कैसे धुले हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसको पावर को ऑफ करेंगे और इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट हैज क्लींस्ड द डिशेस। ओके, सबसे पहले मैं ये वाले बर्तन निकालती हूँ। सो ओके, सबसे पहले देखते हैं हम कढ़ाई कैसी साफ हुई है। तो आप लोगों ने देखा था जब मैंने कढ़ाई डाली थी। नाउ दिस इज द कढ़ाई। ओके, और अब हम चेक करेंगे आटे वाला बर्तन। सी, जब मैंने धोने के लिए डाला था इसमें कितना ज्यादा आटा लगा हुआ था, इतने अच्छे से हाथ से भी क्लीनिंग नहीं हो सकती। ये इसका ढक्कन है। अब हम चेक करेंगे कुकर। सी, ऑल क्लीन। अब हम चेक करेंगे आटे वाले जो छोटे छोटे में डाले थे, दीज आर ऑल्सो क्लीन। अब हम चेक करेंगे प्लेट्स। ओके, कुकर का ढक्कन जिसको मैंने जस्ट ऐसे ही ऊपर से प्लेस कर दिया था, इसको मैंने अच्छे से फिक्स भी नहीं किया था। अब चेक करते हैं दूध वाला पैन। वाओ,
कितनी अच्छी मलाई कभी किसी ने घर में साफ की है हाथों से. ओके चाय वाला बर्तन चेक करते हैं. वाओ जस्ट लुक एट इट. तो पहले स्पून चेक करते हैं. बटर नाइफ इज ऑल्सो क्लीन. चाय वाली छलनी. मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने बर्तन अभी खरीदे मार्केट से. सो गाइस आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ढाई घंटे में इतने बर्तन धुले, इससे तो अच्छा बंदा 15 मिनट लगाता और खुद ही धो लेता. तो भाई 15 मिनट में आप इतनी ठंड में कितनी मेहनत करते हैं आप वो भी तो देखो. ये पूरे के पूरे जो बिल्कुल एकदम बॉइलिंग हॉट वाटर होता है ना उसमें धुलते हैं, और इनसे ज्यादा हाइजीनिक वॉश जो है ना आपको हाथों से तो डेफिनेटली नहीं मिल सकता. तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल. दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स जस्ट दैट मुझे लगा कि ये बहुत ही यूजफुल है, बेनिफिशियल है. सो आई थॉट लेट्स मेक अ रिव्यू वीडियो. इफ यू गाइज वॉन्ट टू हैव इट गो फॉर इट, इफ यू डोंट वॉन्ट टू हैव इट डोंट गो फॉर इट, देर इज नो कंपल्शन ऑन यू. But for me, it is really, really, you know, magic. Seriously, I was like, मेको बर्तन धोना is like I hate the most. तो guys, इससे पहले कि आप comment section में पूछना शुरू कर दो कि how much it cost you, it cost me around 21,000 में. आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई dishwasher मिलता है. जहां तक मैंने देखा है बॉश के डिशवॉशर हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के डिशवॉशर हैं, 50,000 इज द मिनिमम रेंज फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट. सो वोल्टास ने बेको को एक्वायर किया है. बेको इज अ वेरी बिग कंपनी, इट्स अ जर्मन कंपनी आई थिंक, आई एम नॉट श्योर. तो वोल्टास ने बेको को एक्वायर किया है और इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा डिशवॉशर आया है. इट्स अ काउंटर टॉप डिशवॉशर. अगर आपकी किचन में स्पेस नहीं है, एज इट यू कैन सी मेरी किचन बहुत छोटी है, तो काउंटर टॉप डिशवॉशर का ये है कि आप इसको किसी भी तरह की किचन में कहीं भी प्लेस कर सकते हो. इसके लिए आपको स्पेसिफिकली मॉड्यूलर किचन की जरूरत नहीं है, वो जो होते हैं ना फिटेड उसकी जरूरत नहीं है. आप इसको काउंटर टॉप में कहीं भी रख सकते हो, अपने यूटिलिटी एरिया में भी रख सकते हो. सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. इफ यू गाइज लाइक इट हैव इट, इफ यू गाइज डोंट लाइक इट डोंट हैव इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल. थैंक यू सो मच.